शांति ते नाले सत श्री अकाल। सतगुरु करता पुरख अर्पित तुहाडा स्वागत करदी आ। बार बार स्वागत करना मतलब पराए दा स्वागत करना, तुसी अपने तुहाडा क्या स्वागत करिए। अज फिर लैके आए तुहाडे वर्ग कुछ प्रश्न जिहड़े तुहानू रोज़ या दिन प्रतिदिन कुछ तुहाडे जीवन चो प्रश्न आंदे होणे, हल ढूंढने वास्ते तुसी कोई ना कोई साधन भी ढूंढते होणे। लैके आए साडे इस कार्यक्रम चो निर्वेर भाई साहब नू, आइए स्वागत करदे आ उहनां दा। निर्वेर भाई साहब, तुहाडा इस कार्यक्रम च बहुत बहुत स्वागत आ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, सत श्री अकाल। हाँ जी जी पाजी, पाजी मुरली दे क्वेश्चन सुन सुन के लोग सानू जड़े फोन या ईमेल कर दे। एक फरीदाबाद ते एक पाई है जड़े हाले कुछ ही समय, मतलब उदा पूरा ज्ञान नहीं लिया उन्होंने, पूरा सत दिन का कोर्स तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो बोल दी कि जिदा तुसी ब्रह्मा कुमारी हसबेंड वाइफ नू एक बहन भाई बना देंगे, वो की मतलब है? क्योंकि होर भी असी सत्संग चो जाते हो, सीधा सिंपल है कि मतलब चलो बाबे नू भगवान नू याद करो, सत्संग कर दे, कीर्तन कर दे। लेकिन एक दिन मैं इदा ही अपने दोस्त नाल गया था, तो वो जो एक पाई पैन बोल दे, तो ये क्या मतलब है? क्या मतलब है जी? वो ही बोले इस सवाल का जवाब एक ही है कि तुसी सत दिन का कोर्स ठीक तरह करो, ईश्वरी ज्ञान नू समझन की कोशिश करो, और फिर तुहानू पता लगे कि इहदा मतलब की है। तुसी शायद जानते हो या नहीं, मैं अकालियां दे घर च जन्म लिया ही, और मैनू इतना याद है कि मेरे ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंटी, उन्होंने शादी की थी, पर शादी करन दे दिन तो लेकर के ही उन्होंने अमृत छकिया, और आ जीवन पवित्र जीवन च रहे हो। हुण तुसी शब्द यूज़ ना करो भैन और भाई और फलाना, लेकिन गल है सारी के जीवन च पवित्रता नूं धारण करन दा सहज तरीका है कि तुसी अपना दृष्टिकोण चेंज करो। जदों तुसी उस ख्याल नाल हर एक दी तरफ देखणगे हो कि ये आत्मा है, तुसी भी आत्मा हो, सब आत्मा एक पिता परमात्मा दे बच्चे है, उस ख्याल नाल जदों तुसी चलणगे हो ते तुसी अपने सच्चे स्वधर्म च टिकणगे हो। सच्चा स्वधर्म है पवित्रता, सच्चा स्वधर्म है शांति, ते देखो क्या उहदे च आनंद आउंदा ई। देखो साडे भारत च, खास भारत देश की गल कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद दे गुरु स्वामी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पवित्रता धारण करने वास्ते अपनी बीवी नू माँ कह करके पुकारते सी। तुसी जानते हो गांधी जी भले पहले बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जदों उन्होंने ये महसूस किया कि पवित्र जीवन चाहिदी है, तो कस्तूरबा नू मास कह करके बुलाया। इस तरह ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय च ब्रह्मा बाबा दी, दादा लेखराज दी जड़ी लौकिक युगल सी, वो माता जी ब्रह्मा बाबा नू बाबा कह करके पुकारते। भाव ये है कि साडा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए। दृष्टिकोण जदों चेंज हो जाता है, और वो भी सच्चाई दे आधार ते, असी अपने आप नू देह ना समझिए,
ये जिहड़े रिश्ते नाते बनते हैं देह दे कारण, उस तो थोड़ा अपने आप नूं डिटैच करके रूहानीयत चाहिए, रूहानी रूप च देखिए एक दो नूं, ते सारी रूह जिन्ने भी हैगे आ अज दे मुरली च भी सी, सब रूहां भाई भाई हैगे आ, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई हैगे आ। इहो जी दृष्टि कोई रखे ते दसो क्या तो क्या बन जाएगा, महान ते महान देवता बन जाएगा। तो ये बड़िया उच्चियां गल्लां ही, लेकिन इन्हां नूं समझण वास्ते थोड़ा अभ्यास भी चाहिदा और थोड़ा संग भी इहो जिहा अच्छा चाहिदा ही, तां तुसीं इन्हां गल्लां दी गहराई च जाणगे और तुहानूं जीवन च सच्चा सुख और शांति मिलेगा। जी पाजी, एक माता है 82 वर्ष दी, हाँ जी, वो पूरा परिवार ज्ञान च चलदा, लेकिन वो जिद्दां पूरा बेटा बहू ते नाल दोते पोते वो भी ज्ञान च चलदे, पर वो बोलदी मैं ज्ञान दे चलदे दे नाल नाल जिद्दां ही मैं मंदिर दी घंटी सुनदी या कुछ आस पास जिहड़े मंदिर हुंदे सत्संग हुंदे मैं उधर भी जांदी, ते बाबा बोलदा भक्ति दा फल जिहड़ा हुंदा वो ज्ञान हुंदा, ते कि मैं भक्ति करदी तां वो गलत है? बाबा ने यह भी कहा कि तुसी अगर भक्ति च तुहाडा तुहानू रस मिलदा ही तो भावें मंदिर च जाओ, भावें गुरुद्वारे जाओ, भावें तुसी सत्संग च जाओ, बाबा दी मना नहीं है। जदों तई तुसी अच्छी तरह ज्ञान दी गहराई च जान नहीं जानगे हो उदों तई ये भक्ति भी अच्छी है जी। फिर जदों ज्ञान दी बहुत गहराई च चल जाणगे हो तो उहदे च भक्ति और ज्ञान दोनों समन्वय हो जाता, उन्हां दा इकट्ठे हो जाते जी। ते नाले वो ये भी बोलते कि जिहड़ा 84 जन्मां दा जिहड़े सीढ़ी दा एक चित्र है वो मैं कम से कम 3-4 वेला कीता, तो वो बोलते कि 84 जन्म सानू याद क्यों नहीं रहिंदे जबकि सतयुग च असी अगर आना ही है, हाँ। तो 84 जन्म सानू याद होने चाहिए। माता जी अगर तुहानू पिछला जन्म भी याद रहे ना तो तुसी आराम नाल नींद नहीं कर सकनगे। ये एक कही है कि इस संसार दे खेल च ये अच्छी गल है कि हर जन्म तो पहले असी जो पिछले जन्म च कीता ही वो सानू भुल जाए और फिर असी नई शुरुआत करिए। इस करके माँ दे पेट च 5 महीने बच्चा पालना रहिंदा ही, उस तो बाद जन्म लेंदा ही। आत्मा जिहड़ी है वो 5 महीने दी जदों कोख च बच्चा हो जांदा उस वेले उहदे उत्थे वो प्रवेश करती है, तो उस तो बाद 4 महीने होर रहेगी जन्म तो पहले, 9 महीने तो बाद जन्म होंदा ही। तो वो जिहड़े 4 महीने माँ दे कंपनी च रहिंदी है, माँ जो खाएगी जो पिएगी जो सोचेगी जो कीर्तन करेगी भजन करेगी कोई ग्रंथ पढ़ेगी या गीता पढ़ेगी वो जो कुछ करेगी उदा असर वो बच्चे ते होएगा। और देखा गया ही कि कई एहोजे घर हैगे है जिन्हां च जदों माँ दे कोख च बच्चा आउंदा ही और वो ज्ञान सुनना शुरू कर देंदे आ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम ते जाना शुरू कर देंदे आ, ते आहिस्ता आहिस्ता जदों वो बच्चा जन्म लेंदा ही ते इंज पता लग जांदा ही कि पिछले जन्म च ये बच्चा जिहड़ा इहदी आत्मा पिछले जन्म च भी या तो ब्रह्मा कुमारी सी या ब्रह्मा कुमार सी, और उहदी फिर अगे ज्ञान और योग दी यात्रा कंटिन्यू हो जांदी है। जी भाजी, एक भैन है वो ज्ञान च चलदी, वो बोलदी कि सतयुग च श्री कृष्ण ते द्वापर या त्रेता च जिहड़े सोमनाथ या वो मतलब अलग अलग जन्म होए हुए, तो कलयुग या संगम च एक युग होंदा
संगम युग उच्च ब्रह्मा बाबा ने जन्म लिया। ते ब्रह्मा बाबा नु जद साक्षात्कार होया कि संगम सतयुग ते लेके हुण तक उन्होंने ही जन्म लिया, ते ओ इस गल नु देख के जद विनाश का भी साक्षात्कार होया तो उन्होंने खुशी हुई या थोड़ा जहा मुरझाए कि एक खुशी दी गल है कि मैं आने वाले समय च भी दोबारा कृष्ण बनूंगा, या फिर मैनू ही इदा लगता कि ये अच्छा होया या गलत होया? मतलब ब्रह्मा बाबा नु क्या महसूस होया, महसूस तो हुई उस टाइम? ब्रह्मा बाबा तो कदी कदी हसी च कहिंदे सी कि रस्ते चलते ब्राह्मण फस गया जी लेकिन ये तो तुम सोच सकते हो कि सब तो पहली गल है कि ब्रह्मा बाबा दिव्य साक्षात्कार करन जेदे च भविष्य का सारा सतयुग का सीन सीनरी सब देखन और उदे नाल नाल पुरानी दुनिया जेड़ी है ये जेड़ा परिवर्तन होना ही वो भी नाल नाल देखा उन्होंने। ते वो देखन तो बाद एक पासे ते खुशी श्री कृष्ण या श्री लक्ष्मी श्री नारायण उन्होंने देखना, सिर्फ देखना नहीं बल्कि इंज लगे कि वो खुद श्री कृष्ण रूप च या श्री लक्ष्मी श्री नारायण रूप च अपने आप को अनुभव कर रहे सी। लेकिन उस दे नाल नाल जदों कलयुगी दुनिया का जिहड़ा वर्तमान स्वरूप है जिहदे च तुसी जानदे हो अजकल खबरां च भी आउंदा, न्यूज़पेपर च भी आउंदा, टीवी ते भी आउंदा, देशां दे आपसी लड़ाई झगड़े हैगे है और उहदे कारण संसार का हाल की है, दुख किन्ना ही, अशांति किन्नी है। तो इस दा जदों देखते ने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंते, अपने आप ही जिन्हां दा बुद्धि योग परमात्मा नाल नहीं है और वो अपने अहंकार दे वश क्रोध दे वश आपसी लड़ाई झगड़े च एक दूजे नूं ख़त्म करते हैं, वो भी देखा। लेकिन जिहड़ी चीज़ फाइनल है कि एक कलयुग जान वाला ही पांच विकार रूपी रावण का राज खत्म होने वाला ही और फिर पवित्र देवत्यां दा राम राज शुरू होने वाला ही, जदों ये चीज़ उन्होंने अनुभव की तो उन्होंने बड़ी खुशी बहुत अतिंद्रिय सुख का अनुभव होया और उस दे नाल नाल फिर ईश्वरी आदेश उन्होंने जो मिलिया कि तुसी इस वास्ते निमित बनो, पहले तुसी अपना जीवन जेड़ा एक आदर्श जीवन बनाओ और फिर तुहानू देख करके दूसरे भी शिक्षा ले लेंगे। तो इस तरह ब्रह्मा बाबा ने अच्छी तरह इस चीज़ का अनुभव करने वास्ते थोड़ा टाइम पहले एकांतवास किया सी और उस एकांतवास च उन्होंने काफ़ी दिव्य दृष्टि उहदे अनुभव किए और उस दे नाल नाल उन्होंने हाथ का यूज़ किया शिव बाबा ने ज्ञान दी गल्लां लिख करके और वो सत्संग वास्ते भेजते सी जिसनों ज्ञान मुरली कहने असी। तो ये सारिया गल्लां अगर तुसी एक एक गल नूं देखणगे तो तुहानूं पता लगेगा कि परमात्मा का कार्य जिहड़ा ई वो बड़ा विचित्र भी है लेकिन आवश्यक भी है। अगर वो ब्रह्मा बाबा निमित ना बन दे, अपना तन मन धन पूरा समर्पित ना कर दे ते आज इतना वड्डा है
ईश्वरी सेवा का जिहड़ा स्वरूप देखण जा रहा है। वह बीज ना बोंदे तो वृक्ष कित्थों आउंदा, तो प्रैक्टिकल देखीदा ही कि शुभ भावना का जिहड़ा बीज है वह बहुत कम करता है। तुसी भी शुभ भावना रखो तो देखो तुहाडी शुभ भावना नाल तुहाडे घर च, तुहाडे मोहल्ले च, तुहाडे गाँव च, तुहाडे शहर च क्या फर्क पै जाएगा। हिम्मत रखो बस जी। पर जी बाबा ने एक मुरली से बोला था कि विनाश साडा रेडी बैठा वा, मतलब विनाश के जो अस्त्र शस्त्र है सारे रेडी है, लेकिन ब्राह्मण जड़े वत्स है, हाले ब्राह्मण जड़े बच्चे है वो रेडी नहीं है, मतलब तैयार नहीं है। तब पूरे वर्ल्ड से ब्रह्मा कुमारी संस्था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था फैली हुई भी, मतलब जिदा बोलते कि सतयुग च 9 लाख लोग आने, तो हाले तक क्या वो 9 लाख आए रेडी नहीं हुए क्या? सब रेडी है, तो फिर विनाश क्यों? करोड़ों तक संदेश पहुंच गया होगा जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज आप, मैं पंजाबी से गल करा तो चंगा रहेगा जी, बिल्कुल पंजाबी से। जो असली चीज है कि तुसी नेचुरल आत्म स्वरूप च कितना टाइम टिकते हो सारे दिन च, जदों स्वभाविक तुहाडा ये स्वरूप बन जाएगा नेचुरल, तो फिर बाकी सब परिवर्तन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार चाहे 9 लाख है गया, चाहे 18 लाख है गया, चाहे 27 लाख है गया, वो कोई फर्क नहीं पैंदा। टोटल अगर तुसी काउंट करनगे हो 8-10 हज़ार सेंटरां दे भाई भैन चारों तरफ सारी दुनिया च, दुनिया दे कोने कोने च है। लेकिन स्थिति जड़ी है हर एक आत्मा दी, वो नंबर वार बाबा कहिंदा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, ते वो हालांकि उदे वास्ते कोई विनाश इंतजार नहीं कर रहा जी। जदों इस स्टेज ते आ जांदे है कि हुण इस दुनिया च जिहड़ा मोह है, जो माया है, इत्थों मन हट गया, एहो जे जिहड़े स्टेज आ जांदे स्टेज वाले वो घट तो घट 18-20 लाख चाहिए है, जिन्हों के बाल बच्चे अगे 9 लाख सतयुग च होण। अच्छा, तो इस करके एक पासे तो ये गल है और दूजे पासे विनाश वास्ते जिन्हों ने बटन दबाना ही वो उन्हां नूं भी डर लगता ही कि असी अगर बटन दबावांगे तो साढ़े उपर भी आ जाएगा जी। तो हर एक नूं अपनी जान प्यारी है बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहांगा कि जिन्हां नूं ज्ञान और योग दा थोड़ा ये अंचली मिली हुई है वो बहुत ही भाग्यवान हैगे है, उन्हां नूं सारा सीन सामने आ जांदा है कि क्या होना ही, और उस दे वास्ते वो अपने आप नूं नष्टो मोहा सिमरती लभदा इस स्वरूप च लै आउंदे है। मोह नष्ट हो जांदा देह और देश दे संबंधां चों, और परमात्मा दी याद च मन टिक जांदा। जदों एहो जी स्टेज होएगी तो फिर कुछ भी हुंदा रहे कोई फर्क नहीं, उहदा कोई फर्क नहीं पैंदा जी। तो भाजी थानू कितना लगता कि ये विनाश एक छट नाल हो जाना या धीरे धीरे करके होना? ये तो बड़ा एक
गहरा सवाल है कि विनाश का एक पार्ट एहो जे आई जिहदे च एटम बॉम्बस हाइड्रोजन बॉम्बस वो चलणगे जी और वो जिथे चलते ने उत्थे राख ही रह जाती और कुछ नहीं रहता जी और उहदी तैयारी सारी दुनिया च हो रही है। दूसरा है युद्ध जिहड़े तलवारां नाल और इन्हां नाल हुंदा ही जी वो दुखद दुखदाई है जी। लेकिन ड्रामा दी भावी क्या जांदा इहनूं क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंते वो भी हैगे है ते एहो जे टाइम ते है विनाश काल पर जेड़े एहो जी आत्मा जिन्हां ने परमात्मा दे नाल अपना मन लगाया होया वो प्रीत बुद्धि कहा जांदा उन्हां नूं। तो प्रीत बुद्धि ये नहीं कि वो शरीर नहीं छड़नगे, शरीर तो छड़ना ही है जी। लेकिन दुख नाल नहीं छड़ना, वो अपने शुभ संकल्प नाल शरीर छड़ करके अगले जन्म च सतयुग च फिर वापस आउणगे। हुण इहदे वास्ते बड़ा अभ्यास चाहिए। ओके, ओम शांति, ओम शांति।